सब्सक्राइब कीजिए शेखावत टेक्निकल को और ज्वाइन कीजिए हमारी टेक फैमिली को। हे नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र शेखावत आपको फिर स्वागत करता हूँ अपने ही एक्साइटिंग चैनल शेखावत टेक्निकल में। दोस्तों आज अगर हम बात करते हैं MIUI 10 की न्यू ग्लोबल बीटा अपडेट, इसका नंबर है MIUI 10 ग्लोबल 8.8.16 बीटा। तो चलिए बात कर लेते हैं इस अपडेट में क्या कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स आए हैं, क्या कुछ हमें नया देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, बीटा अपडेट जो है वो हर फ्राइडे को आता है, लेकिन शाओमी MIUI 10 आने के बाद थोड़ा सा फास्ट हो गया है, इसलिए थर्सडे को अपडेट देना शुरू कर दिया है। लेकिन कभी कभी कोई कोई अपडेट शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को भी आ जाता है, जो कि एक देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल तो आज थर्सडे को ही अपडेट आ गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस अपडेट में क्या कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिस्टम अपडेट के ऊपर टैप करता हूँ। टैप करने के बाद मेरा लेटेस्ट वर्जन आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ वर्ड्स न्यू में चलता हूँ। तो वर्ड्स न्यू में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा हुआ अदर्स। अदर्स में लिखा हुआ फिक्स बग और इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। शाओमी यही लिखता है, इसके अलावा वो ज़्यादा कुछ खास लिखता नहीं है। वो हमें ही देखना पड़ता है क्या कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स आए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ, बग्स बहुत सारे फिक्स किए गए हैं। लास्ट जो अपडेट आया था उसमें बहुत से बग देखने को मिल रहे थे। अब कौन कौन से बग देखने को मिल रहे थे, अगर आप सिक्योरिटी ऐप में जाते थे, सिक्योरिटी ऐप में जाने के बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करते थे तो यहाँ पे जो भी आइकन दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे डीप क्लीनर का ऑप्शन हो गया, व्हाट्सएप क्लीनर का ऑप्शन हो गया, या फिर ब्लैक लिस्ट का ऑप्शन हो गया, या फिर कोई भी ऑप्शन हो जाता है, वो आपको ग्रे कलर में दिखता था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको कलर में देखने लग जाएंगे, जैसे कि ऑरेंज कलर या अलग अलग कलर्स में देखने को मिलता है। लेकिन पहले वाला जो अपडेट आया तो वो अपडेट करने के बाद हमें थोड़ा सा बग देखने को मिल रहा था, उसकी वजह से यहाँ पे सब ग्रे कलर में हो गया था। तो अब सही हो गया है, जो कि एक देखने वाली बात है। उसके अलावा अगर आप नोटिफिकेशन बार को स्क्रॉल डाउन करते थे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैप्स का जो आइकन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, नीला कलर आ रहा है, यानी कि ब्लू कलर आ रहा है। पहले यहाँ पे केवल ग्रे ही कलर आता था, जो कि एक देखने वाली बात थी, लेकिन अब आपको ग्रे कलर देखने को नहीं मिलेगा। जो आइकन सपोर्ट करता है उनमें केवल कलर्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे व्हाट्सअप का जो आइकन आता है उसमें भी हमें ग्रे कलर देखने को मिलता था, बट अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रीन कलर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। इस बग को भी अब निकाल दिया गया है। उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स की बात करें तो आप सोच रहे थे कि अगर कैमरा में आपको पोर्ट्रेट मोड मिल गया रियर कैमरा में, तो आपको देखने वाली बात है कि आपको पोर्ट्रेट मोड नहीं मिला है, जो कि एक जानने वाली बात है। हालांकि फ्रंट कैमरा में जो पोर्ट्रेट मोड है उसको थोड़ा सा सुधार दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। तो अगली हम बात करते हैं अगले फीचर्स की। तो अगले फीचर में आप सोच रहे थे कि अगर आप फेस अनलॉक आ गया तो फेस अनलॉक भी आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं आप डाउन करता हूँ तो अगर आप फेस अनलॉक जाके चेक करते हैं तो कहीं पे भी आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको फुल स्क्रीन जेस्चर्स का ऑप्शन तो कभी मिलेगा भी नहीं, और वैसे मिलता भी नहीं है। तो यहाँ अबाउट फोन में अगर जाके देखते हैं आप, तो अगर एंड्रॉइड वर्जन देख पा रहे हैं क्योंकि 7.0 तो 7.0 ही रह गया है। यहाँ पे शायद सिक्योरिटी पैस लेवल को अगस्त का कर दिया गया, शायद लास्ट अपडेट में कर दिया गया था या फिर अभी किया गया, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं, तो आप देख लीजिएगा। वैसे सिक्योरिटी पैस लेवल को अगस्त का कर दिया गया है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है पिछले अपडेट में आ गया था या फिर इस अपडेट में आया है, वो मुझे याद नहीं है कम्प्लीटली। उसके अलावा अगर आप मैसेजिंग ऐप में जाते थे, मैसेजिंग ऐप में जाके चेक करते थे क्या कुछ इंटरेस्टिंग मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर मैसेजिंग ऐप में जाते थे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है येलो पेज का आइकन। जैसे कि एयरटेल का कोई मैसेज आता है तो एयरटेल का आइकन दिख जाता है, अमेजोन से अगर कोई मैसेज आता है तो अमेजोन का एक आइकन दिख जाता है। तो अलग अलग आइकन दिख रहे थे तो पहले नहीं दिख पा रहे थे, तो वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पहले कोई बग था उस वजह से आपको दिखने को प्रॉब्लम हो रही थी। बट अगर आप जाके चेक करेंगे तो आपको बड़े आराम से अब आइकन्स वगैरह दिख जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर किसी ऐप किसी मैसेज को अगर डिलीट करते हैं तो साउंड बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। हालांकि साउंड पहले भी चेंज कर दिया गया था, लेकिन अभी वापस चेंज कर दिया गया है। यानी कि पहले अगर आप गैलरी में कोई फोटो वगैरह फिर वीडियो डिलीट करते थे तो एक अलग साउंड आता था, लेकिन वो आप अगर आप मैसेज में डिलीट करते थे तो वो साउंड नहीं आता था। मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं आता था या नहीं आता था, बट अभी अगर आप चेक करेंगे किसी मैसेज को डिलीट करके तो आपको साउंड देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, मैं अगर सुनाता हूँ डिलीट के बटन के ऊपर टैप करता हूँ, ये आपने अगर सुना हो तो एक साउंड देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके अलावा कुछ अलग बात करूँ तो मैं, जैसे कि आप सोच रहे थे थीम्स में जाके, कि थीम्स में आने के बाद अगर माय वीडियोस में जाके चेक करेंगे तो माय वीडियो वॉलपेपर, अगर माय वीडियो वॉलपेपर जो कि पहले लास्ट अपडेट में ही इनेबल कर दिया गया था, लेकिन अभी तक हमें ऑफलाइन कोई जो थीम्स है वो हमारे वॉलपेपर है वो देख शो करने को नहीं मिल रहे हैं। यानी आप वॉलपेपर नहीं लगा सकते अपने वाले, तो वो एक जानने वाली बात है कि अभी तक इसको ठीक नहीं किया गया। उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स अपडेट में नहीं आया है, आएगा तो मैं जरूर बता दूंगा। वैसे वॉलपेपर का जो आइकन है वो
चेंज कर दिया। हालांकि लास्ट अपडेट में कर दिया गया था बस, बट मैंने नोटिस नहीं किया वॉलपेपर का आइकन चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलपेपर का आइकन बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है, जो कि एक जानने वाली बात है। वैसे आप अगर आप अबाउट फॉर्म जाके चेक करते हैं तो यहाँ पे मैंने नोट में कन्फ्यूज हुई है यहाँ पे कि आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि लास्ट अपडेट में ही आपको ये सिक्योरिटी ऐप में जो दिखा रहा है यहाँ पे सिक्योरिटी पैस लेवल, वो लास्ट मंथ में ही चेंज, मतलब लास्ट अपडेट में चेंज कर दिया गया था या फिर इस अपडेट में चेंज किया, अगस्त वाला सिक्योरिटी पैस इस अपडेट में दिया गया, वो मुझे आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। मेरे कन्फ्यूजन चल रहा है मेरे मन में, वो आप जरूर से मुझे बता दीजिएगा। तो फाइनली आज की वीडियो में बताया था, वीडियो पसंद आ गया इस वीडियो को लाइक करना ना बोले, सबसे वीडियो को शेयर करना ना बोले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना बोले। तो मैं मिलता हूँ अगली एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।